मोहम्मद शेख पब्लिक न्यूज चैनल से। मैं आज हूँ दादर में तिलक भवन में, जो माइनॉरिटी की ऑफिस है कांग्रेस की। आज वहां पर आया हूँ मैं, और यहाँ पर कुछ मीटिंग रखी गई है चुनाव को लेके, कि हमको किस तरीके से चुनाव में काम करना है, हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र के, ऑलमोस्ट सभी आए हुए हैं यहाँ पर। और हमारे दिल्ली से जो है हमारे नजीब जावेद साहब भी आए हुए हैं, और नसीम खान साहब भी है, और हमारे यासीन कुरैशी हैं वो भी आए हुए हैं हमारे यहाँ पर। तो काफी कार्यकर्ता यहाँ पर, सब पूरे महाराष्ट्र के आप जैसे कि देख सकते हैं कि इतनी सारी भीड़ है, और ये हॉल में खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है। मतलब इतने उत्साह है इन लोगों में, मतलब इतनी अभी एक उमंग जागी है कि हाँ भाई हमको जीतना है किसी तरीके से, और हमको जीतना ही है इलेक्शन। हमको कैसा है कि किसी तरीके से ये जो है इलेक्शन हमारा, मतलब 2019 का जो है इसके ऊपर बहुत, और देर कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो ये कांग्रेस की बहुत अच्छी बात है कि हाँ भाई चलो देर में आए हैं, लेकिन इनको आप पता चला है कि हाँ मतलब क्या है, किस तरीके से इलेक्शन होना, हमारे ग्रुप में कैसे लोग रहना चाहिए और कैसे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस में ग्रुप में थे वो अलग ही चेहरा थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं कांग्रेस में वो बताया जा रहा है कि सब नए नए चेहरे आ रहे हैं और अच्छे लोग आ रहे हैं। तो चलो ये बहुत अच्छी बात है। और हमने एक इंटरव्यू हमने लिया है नदीम जावेद साहब का, कि इलेक्शन में काफ़ी सारे घोटाले होते हैं मशीन को लेके, और मशीन को लेके काफ़ी सारे कि एक एक जगह हमने देखा है पोलिंग बूथ में, कि गिनती जब शुरू होती है तो कांग्रेस आगे जाती है, ये फला पार्टी आगे जाती है, अचानक बीजेपी आ जाती है। तो इसका रीज़न क्या है कि हमने देखा है कि पंजाब में हरियाणा में डेमो किया गया, तो कोई भी बटन दबाइए तो उसमें सिर्फ कमल का फूल निकलता है। तो ये जिम्मेदारी खास करके इलेक्शन कमीशन की है, जो इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, और नहीं अगर नहीं हो सकता है तो इसको बंद करके नॉर्मल जो पहले हमारी वोटिंग होती थी उसके ऊपर कार्रवाई जाए। तो हम इसी चर्चे को लेकर कुछ नदीम जावेद साहब से बात करें। नदीम जावेद साहब, आपका इसमें मतलब क्या ख्याल है कि क्या किया जाए इसके अंदर जो बदलाव है? देखिए, ईवीएम जो मशीन है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और पूरी दुनिया में ईवीएम पर सवाल उठे, उस पर चर्चा हुई, बातचीत हुई। लोकतंत्र में वोट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपना वोट देकर किसको आ रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि मेरे अंदर ये सेटिस्फेक्शन हो कि मैं जहाँ वोट दे रहा हूँ वो वोट वहीं गया। पूरे देश के एक बहुत बड़े तबके में आज के डेट में ये हो रहा है कि लोगों को ईवीएम पर यकीन और एतमाद कम हो। उसके बहुत सारे कारण हैं, वो तफसील से जाने की ज़रूरत उसमें समय नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है, कि लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया और व्यवस्था में विश्वास बना रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। और उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि दुनिया के जो विकसित देश है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का सबसे अधिक उपयोग हुआ है, या जहाँ टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया, विशेष रूप से यूरोप में, वहाँ पे जो वोट होता है वो बैलेट के माध्यम से होता है, यानी पर्चे पे लोग अपना मुहर लगाते हैं। अगर इस देश में लोगों का यकीन लोकतंत्र में कहीं से भी कमज़ोर पड़ता हुआ दिखता है, तो इलेक्शन कमीशन की, भारत सरकार की और संस्थाओं की जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि वो इस दिशा में काम करें और इस व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर सकें, ताकि लोगों का यकीन इस पर पूरी तरह से बना रहे। आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की जानिब से महाराष्ट्र लोकसभा निवडणूक 2019 की ये बैठक है। इस बैठक में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि जनाब नदीम जावेद साहब, इस मीटिंग में उपस्थित AICC के सेक्रेटरी सोनल मैडम, AICC के दूसरे सेक्रेटरी इंचार्ज रेड्डी साहब, हमारे महाराष्ट्र के और मुंबई के इंचार्ज मोहम्मद अकरम साहब, हमारे मित्र तशरीफ फरमा, अनीस अहमद जी, इब्राहिम भाईजान जी, बब्बू खान, विशेषकर मुंबई माइनॉरिटी के अध्यक्ष वो हमारे मित्र तशरीफ फरमा है, तारिक फारूकी साहब है, शोएब गुड्डू है, एम आई पटेल है, तमाम मेरे जोन के अध्यक्ष हैं, जो नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर हैं, सारे लोग, और जिनकी मोहब्बत में हम सब जमा हुए हैं यहाँ, जिनकी कयादत में पूरे महाराष्ट्र में हम काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे MM शेख साहब। मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के दिल में सवाल है, नजरअंदाजियां भी है। कोई लोग बोल रहा है कि ये खराब है, माइनॉरिटी को खुल जाते हैं, ये करते हैं, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं,
सूरत खराब है ना सीरत खराब है, बदली हुई तुम्हारी ये नीयत खराब है। और जिस कौम को ना अपनी कभी फिक्र हो अनिस, जिम्मा उसी के सर है जो हालत खराब है। आज जिम्मा हमारे ही सर है जो हालत खराब है। आज हमारे अकेले शोबे के सदर जनाब नदीम साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, और मैं नहीं समझता कि नदीम जावेद साहब हमारे बीच है तो हमें कोई लीडर की, कोई गायक की किसी की जरूरत है। आज अलहमदुल्ला रूबरू राहुल जी के मंदिर से कर रहा शायद वो सारा सा काम कर रहे हैं। बेशक जो हमारी बातें हैं वो बेशक वो उन तक पहुंचाएंगे और रखेंगे इंशाल्लाह। हमारे सामने लोकसभा 2019 का माहौल है, बहुत बड़ी चुनौती है। आपने देखा होगा किस तरह का माहौल 2019 में, कि चार साढ़े चार साल में फिका परस्ती ताकों देकर के रख दिया। आज जगह जगह पे मुसलमानों को निशाना बनाया गया, दलितों को निशाना बनाया गया, क्रिश्चियन समाज को निशाना बनाया गया, मॉब लिंचिंग हुई, बहुत कुछ हुआ, यहां तक कि हमारे खाने पीने पर पाबंदी आ गई। और अब बात तो हमारे आईन हमारी शरीयत तक पहुंची, उसके बावजूद हमारे में शऊर नहीं आया। हमें शऊर लाने की जरूरत है, समझना होगा। कल गांधी जी की पुण्यतिथि थी, बड़ा अफसोस की बात है, देश के राष्ट्रपिता महात्मा जिन्होंने तमाम कौमों को इकट्ठा किया और इस देश को आजादी दिलाई, उन्होंने ब्राह्मणों को भी साथ लिया, क्षत्रियों को भी साथ लिया, मुसलमानों को भी लिया, दलितों को भी लिया, एक समान भी उनके साथ छूटा नहीं, उनके साथ में यात्रा में शामिल रहे। और आज कुछ लोग जो आज देशभक्ति की बात कर रहे हैं, बड़ी शर्मनाक वो घटना हुई जो लेडी ने तस्वीर के ऊपर और पुतला जलाई और गोली चलाई, शर्मनाक बातें आज रघुराम गोडसे की सोच यहां पलट रही है। इन ताकतों से हमें लड़ना है, कदम कदम पर कठिनाई है, ये सोच से सोच की लड़ाई है मेरे दोस्तों, कदम कदम पर कठिनाई है, इसलिए हमें मुत्तहिद होकर काम करना होगा। आज बहुत ही कम वक्त बचा है, महाराष्ट्र के आप तमाम जिम्मेदार लोग हैं, आप जानते हो कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ये किस तरह वोट बंटवा काम करती है, किस तरह पार्टी को नुकसान पहुंचाती है, ये हमने 2014 के चुनाव में देखा। जो कौम मिलत की बात करके कौमों को गुमराह करती है, आज भी वही हो रहा है। आज भी आपने देखा होगा कि भारत और किस तरह से MIM जैसी पार्टियां मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश कर रही है, और आप भी जानते हो बखूबी कि इसका फायदा किसे पहुंचेगा, आप जानते हो चित्र। यही देखते हुए मेरे मन में ही ख्याल आता है, ये सारे माहौल को, साढ़े चार साल के माहौल को देखते हुए, कि तहजीब जो संभाले वो सरदार कौन है, इस तख्त व ताज का यहां हकदार कौन है, नफरत का जहर घोल दिया किसने हिंद में, बदली हुई फिजा का गुनहगार कौन है। आप भी जानते हो कौन कितने गुनहगार है, शिवसेना, भाजपा, MIM या कांग्रेस, अब आप ही बताओ गद्दार कौन है, कौन है। इन सब ताकतों से हमें लड़ना है, और बहुत ही समझदारी से हम लड़ेंगे, हिम्मत अमली से लड़ेंगे, क्योंकि ये तो पहचान है। आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में तमाम कौम है, हम मेजर पार्ट है मुसलमान ये जरूर माने, मगर जिधर जो कौम है, क्रिश्चियन समाज है, दलित का बौद्ध समाज है, या जैन है, या पारसी है, या क्रिश्चियन है, उन्हें भी साथ में ले लो। आज फिरका परस्ती ताकत है, सरकार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश में लगी हुई है, चार साढ़े चार साल उन्होंने वही किया। आज राम मंदिर के मुद्दे उठ रहे हैं, दूसरे मुद्दे उठ रहे हैं, उन्हें राम मंदिर से भी कोई लेना देना नहीं। मैं तो बहुत ही गलत भी नहीं बोलूंगा, आदरपूर्वक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए ये बात कहता हूं, नदीम जी के छूटा ये दिलासा ना, छूटा ये दिलासा ना महाराज यहां दो, देना है अगर कुछ भी तो वो आज यहां दो, मंदिर की ना मस्जिद की कभी बात करो तुम, दे सकते हो तो राम का वो राज यहां दो। मैं फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए मैं लाल मोहम्मद शेख, नमस्कार।